नमस्कार, मैं कविता उनियाल, आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। मीडिया टुडे टीवी ने कल आपको जॉर्डन में हुए तख्ता पलट के हवाले से एक खबर बताई थी। अब हम आपको उस खबर के आगे का सूरत हाल बताएंगे। जॉर्डन की किंग अब्दुल्ला सानी के खिलाफ इस्लाम विरोधी ताकतों ने जो बगावत रची थी उसे नाकाम बना दिया गया है। ये बगावत कामयाब नहीं हो सकी और जॉर्डन का तख्ता पलट होते होते बच गया। समय रहते जॉर्डन की पुलिस और सिक्योरिटी ने बागियों पर काबू पा लिया। आपको बता दें, जॉर्डन एक अरब देश है। जॉर्डन ने मस्जिद अलक्षा के हवाले से इसराइल को धमकी दी हुई है कि इसराइल फिलिस्तीन में मौजूद मस्जिद अलक्षा से दूर रहे। यहां आपको यह बताना जरूरी है कि फिलिस्तीन का जॉर्डन के साथ लंबा बॉर्डर लगता है, लिहाजा इस समय मस्जिद अलक्षा की अथॉरिटी जॉर्डन के हाथ में है। आपको बता दें, जॉर्डन के पूर्व क्राउन प्रिंस समेत लगभग 20 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके बाद तुर्की का सख्त रद्द अमल भी सामने आया है। दरअसल हमजा जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सानी के सौतेले भाई हैं। पहले ये जॉर्डन के क्राउन प्रिंस थे, लेकिन अब किंग अब्दुल्ला का बेटा क्राउन प्रिंस है। जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री आयमन सफादी ने इस तख्ता पलट की साजिश के लिए क्राउन प्रिंस पर आरोप लगाया है, क्योंकि हमजा लगातार इसराइल और अमेरिका के अधिकारियों के संपर्क में थे, लिहाजा इसराइल के इशारे पर यह सब साजिश रची गई। ये बगावत किसने करवाई और इसके पीछे क्या मकसद है, पूरी जानकारी हम आपको विस्तार से बताएंगे। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल का सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब इजरायली मस्जिद अलक्षा तक पहुंच चुके हैं और उस पर कब्जा करना चाहते हैं, इसलिए इसराइल ने अरब देशों से दोस्ती की हुई है, लेकिन जॉर्डन उनकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा बना हुआ है। कुछ दिन पहले इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू यूएई के दौरे पर जाने वाले थे। नेतन्याहू को यूएई के किंग बिन जयाद से मुलाकात करने यूएई जाना था, लेकिन जॉर्डन ने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया और इजरायली पीएम को अपना यह दौरा रद्द करना पड़ा। नेतन्याहू ऐसे पहले प्रधानमंत्री होते जो किसी अरब देश की यात्रा करते। दरअसल हुआ क्या, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला सानी ने इजरायली पीएम की जहाज को अपना हवाई क्षेत्र इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी, जिसकी वजह से इजरायली पीएम को यूएई का दौरा टालना पड़ा। इजरायल का मकसद है थर्ड टेंपल बनाना। इजरायल मस्जिद अलक्षा की जगह थर्ड टेंपल बनाना चाहते हैं, लेकिन मुस्लिम देशों के रहते हुए वे ऐसा नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए वे मुस्लिम देशों को उथल पुथल करने में लग गए हैं, कहीं पर बगावत के जरिए तो कहीं पर मुस्लिम देशों को आपस में लड़ाकर, ताकि वे अपने काम को अंजाम दे सके और मुस्लिम देश आपस में उलझे रहे। जॉर्डन में हुई बगावत के बाद सभी देशों की प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। सभी देशों ने जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला को अपना समर्थन दिया है, लेकिन इजराइल इस पर चुप है। आज जॉर्डन के उप प्रधानमंत्री सफादी ने इस बगावत को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस हमजा साजिश के तहत विदेशी दलों से संपर्क में थे, इसीलिए इन पर निगरानी रखी गई थी। सफादी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा है कि जॉर्डन की सुरक्षा के लिए हमजा और विदेशी दलों की बातचीत को टैप किया हुआ है। सबूतों से पता चलता है कि क्राउन प्रिंस हमजा बाहरी लोगों के संपर्क में थे। उधर तुर्की ने भी इस घटना को लेकर चिंता जताई है। तुर्की के विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस बगावत को लेकर वो चिंतित है। मिडल ईस्ट में शांति के लिए जॉर्डन एक महत्वपूर्ण देश है, इसलिए तुर्की की तरह जॉर्डन की भी शांति महत्वपूर्ण है। हम जॉर्डन की सरकार के साथ साथ अपने जॉर्डन भाइयों की शांति और तरक्की के लिए अपना मजबूत समर्थन देने की घोषणा करते हैं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। आपको मेरी ये न्यूज़ कैसी लगे मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। शुक्रिया।